हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 हिंदी आईएससी और आईकॉम के लिए जो सेट एच है उसका हम आंसर की बता रहे हैं और ये 100% करेक्ट आंसर की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मिलाकर अपना आकलन कर लें कि हिंदी में हम ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाने वाले हैं। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन देखिए कि मामा शब्द का विशेषण क्या है। विशेषण है ना, विशेषण बताना है तो मम्मी आ रही पहले का सी सही है। यथाशीघ्र शब्द कौन सा है तो अव्ययी भाव समास दो का बी सही है। तीन नंबर है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो तीन का आपका तीन ही होगा, तीन का सी। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है तो चार का ये संयुक्त वाक्य ये होगा। पांच है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है तो इसमें देखकर शब्द केवल संकेत मात्र है, इसमें आपका बी सही है, पांच का बी। छह है अंतरंग का विलोम क्या होगा तो इसमें आपका राइट आंसर बहिरंग, छह का बी। सात देखिए जो हम बोला कर रहे हैं ना वही सही है, जिसने समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है इसके लिए एक शब्द अद्वितीय होगा, सात का सी सही है। आठ देखिए अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या से व्याकुल होना, डी सही है। नाइन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है घोड़ा, ठीक है ना। नौ हो गया, दस देखते हैं उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था किस वाक्य का उदाहरण है तो दस में आपका 100% बी होगा मिश्र वाक्य। शुद्ध कौन सा है तो इसमें आपका बी होगा तत्व एकदम शुद्ध है। 11 हो गया। 12 देखिए जिस संज्ञा से नाप तोल होता है उसे द्रववाचक, 12 कैसे। शिक्षा शब्द का पुलिंग, शिक्षा शब्द क्या है तो ये स्त्रीलिंग है, 13 का सी सही है। आगे देखिए 14 भिक्षा शब्द क्या है तो भिक्षा जो है ना 14 का आपका तद्भव है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग तो पाठिका, 15 का बी हो जाएगा। 16 देखिए कक्षा शब्द क्या है तो 16 का आपका राइट आंसर बी पुलिंग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है तो ये आपादान कारक है ना, 17 का सॉरी इसमें डी होगा करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 देश विदेश शब्द कौन सा है तो द्वंद बोलेंगे जिसमें भी हाइफन रहता है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ तो इसमें राइट आंसर आपका ये होगा बहुत अलग रहना, जो स्त्री अभिनय करे तो अभिनेत्री, 20 का ए होगा। 21 है सौभाग्य शब्द का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा बी। पत्नी शब्द का पर्यायवाची अर्धांगिनी, 22 का सी होगा। 23 हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए ये मिश्र वाक्य है, 23 का ए सही है, नहीं मिश्र नहीं है इसमें, मिश्र कहाँ है वो सरल वाक्य है, 23 का सी सही है। कहा जा सकता है कौन पदबंध है तो 24 जो है ना इसका डी होगा क्रिया पदबंध, कहा जा सकता है डी राइट आंसर। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है तो संख्या आया है द्विगु होगा, 24-25 का है। विकास शब्द का विशेषण क्या है तो विकास का विशेषण विकसित होगा, 26 का बी सही है। 27 देखते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं तो इसको ना अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं, बी सही है। यर अलावा कौन सा व्यंजन है तो 28 का आपका सी अंतअस्त व्यंजन होगा, 28 का सी। 29 देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है कितनी है तो इस प्रश्न में आपका ना 3 हो जाएगा, दिगंबर दिग प्लस अंबर दिगंबर आपका 30 ए होगा। 31 देखिए हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 प्रकार के, बी सही है। 32 है तीर से बाघ मार दिया गया, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर डी होगा करण कारक। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है तो ये 33 में जो है ना संबंधवाचक का है क्योंकि संबंध जोड़ रहा है, सी सही है। 34 सब धन कौन सा विशेषण है सब धन तो यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा, 34 का ए सही है। क्रिया के कितने भेद होते हैं तो क्रिया के देखिए है ना यहाँ पे दो होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, 35 का सी सही है। 36 वह जाएगा किस काल का उदाहरण है तो भविष्यत काल में है। पगड़ी शब्द क्या है तो देशज है, 37 का ए सही है।
38 ये सारे प्रश्न हमने बताया भी था, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 38 का रूढ़ शब्द कहते हैं, विनय शब्द में उपसर्ग के अंश है तो वी हो जाएगा, है ना। 39 का सी से ये 40 देखिए, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय अंत में होता है तो आपका आ हो जाएगा, वंदना ना आ है। आगे जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रहे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा, मलयज। और 42 है तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक पिताजी कितने साल के हैं, तो 42 का आपका राइट आंसर सी होगा, 55 साल के। CW लीडबेटर विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे जे कृष्णामूर्ति, आपका 43 का डी होगा। 44 है शिक्षा शीर्षक पाठ को सत्य की खोज तभी संभव है जब, तो इसमें आपका राइट आंसर 44 का ही होगा, स्वतंत्रता हो। 1870-90 के बीच ई गाइडी मोपासा की कहानी कितने पुस्तक प्रकाशित हुई, तो 45 में आपका ए सही होगा, 200। 46 नंबर कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम ये थोड़ा सा मिटका हुआ है, इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, ए हो जाएगा। 46 का ए पेस्की शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 47 का भी ए होगा। 48 देखिए 20वीं सदी में प्रगतिमान दूसरा गुणमेश कैसा है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, संघर्ष के साथ। 49 है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर भीम अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 49 का आपका राइट आंसर सी होगा, 1993। नाटक के क्षेत्र में जय शंकर प्रसाद सबसे बड़ी प्रतिमा क्या है, तो इसका राइट आंसर 50 में आपका बी होगा, बालकृष्ण भट्ट। 51 देखिए तुमुल कोलाहल कलह में है ना शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो 51 में डी होगा, मुकुल। वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ो कौन कावित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 52 का डी सही है। 53 देखिए तेज तम अंश पर कान्ही जिमी कंस पर यो मलेचे वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता की है, तो 53 में आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा, तुलसीदास। फटाफट देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है, तो इसका राइट आंसर 54 का बी होगा, बिररस। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में कैसे महाकवि हैं, तो 55 में आपका बी होगा, स्वच्छंद महाकवि। म का उच्चारण क्या होता है ना, म तो म जो है ना आपका ओष्ट से होता है। पृथ्वी वस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 57 में आपका 100% सी होगा, पृथ्वी प्लस इस। 58 ने शुद्ध बताना है, तो इसमें शुद्ध जो है ना आपका राइट आंसर 58 में आपका जो है डी हो जाएगा, परीक्षा, ठीक है ना, शुद्ध लिखा है। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है, वाराणसी जातिवाचक है। 59 का बी। 60 देखिए नगर शब्द क्या है, नगर तो 60 आपका ना बी हो जाएगा, पुलिंग है। 61 है चंद्रसर है ना, 61 देखिएगा लिखा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस अभिभावक बनकर मियाँ कॉलेज अजमेर में आए, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता, इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। हम आपको गलत नहीं बताना चाहते, आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा डाउट है। उसने कहा शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठा, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, वजीरा सिंह। जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने, तो 64 का आपका ना 1924 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण का पुकारू नाम क्या था, तो इसमें आपका 65 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बाउल है ना, बाउल सही है। अर्धनेश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 66 में आपका ना बी होगा, निबंध। 67 देखिए बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बतासयानगे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो 67 का देखिए आपका ना राइट आंसर हो जाएगा, वर्धभाषा। रोज शीर्षक कहानी मालती मिट्टी के बर्तन में गर्म पानी क्यों धो रही थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना याद नहीं है। 69 भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, इसमें आपका ए होगा, 28 सितंबर 1907। 70 है ना प्रेम के पीर कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर 70 में आपका हो जाएगा बी, ज्ञानेन्द्रपति। आगे अधिनायक शीर्षक कविता संग्रह ली गई है। 71 का आपका राइट आंसर जो है ना ए होगा, सब कुछ होना बचा रहे ना। 72 है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र भगत सिंह के पिता का नाम, तो आपका 73 का राइट आंसर आपका 100% बी होगा, सरदार किशन सिंह। 74 है 74 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, राम के। 75 क्वेश्चन देखिए इसमें आपका राइट आंसर आपका 100% 75 का डी होगा।
सही है ना, फटाफट देख लिया। और 76 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के। 77 देखिए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में, तो इसका राइट आंसर आपका दीनू कुमार। 78 देखिए, 78 जो है ना, 78 79 इन दोनों को आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। देखिए 80 है जूठन जो है ना आपका ए हो जाएगा, कालीराम। और 81 देखिए, प्रायः लंबी कविताएं लिखी जाती है, इसमें जो होगा ना 81 का भी ए होगा। इबारत से मेरी गिरी मात्राएं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की है। और 83 है गांव का घर, ये जो है ना 83 आपका इसमें राइट आंसर होगा। पंचायती राज में कौन खो गए, तो पंच परमेश्वर सी होगा। हार जीत शीर्षक कविता में महा मशक वाला क्या कर रहा है, तो 84 में राइट आंसर आपका डी होगा, सड़क सींच रहा है। सर्कस का प्रकाश, इसमें देखिए राइट आंसर आपका ना 85 का ए होगा, दोस्त कोस दूर। अशोक वाजपेयी ने जो नहीं कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, 86 में आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा, दिल्ली में रहकर। और 87 है प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो 87 का आपका राइट आंसर डी होगा, रायपुर छत्तीसगढ़। लिखने के कारण शीर्षक निबंध किसके लिए रचना, 88 में आपका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। और 89 है जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रगतिवाद एवं व्यक्तिवादी। और देखिए 90 है नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह झील जैसे हिल रही हो, कविता से है, तो इस 90 का ना आपका सी है, कविता से। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा, 91 का सी सही है। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली यह है ना तुलसीदास की है, डी राइट आंसर है 92 का। नभादास किसके महाकालीन थे, तो तुलसी दान के थे, 93 का ए सही है। 94 हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो 94 का ना आपका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 95 देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कृष्ण को। शिव बावनी कितने मुक्तोक्तों के शिवाजी की वीरता व्याख्यान किया है, तो 96 में आपका सी होगा, 52। और 97 देखिए क्वेश्चन, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो 97 में आपका राइट आंसर ये होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा चौहान का निधन कैसे हुआ, तो इस क्वेश्चन में कार दुर्घटना से, 98 का ये सही है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो 99 का आपका भी 1978 में। और 100 देखिए क्वेश्चन जो है इसका ना आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर करें। ये आप ही का चैनल है मेरे प्यारे, आप ही को आगे बढ़ाना भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।